बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैफ़ुल्मलूक और जॉब्स इन वोट पाकिस्तान में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट होने वाले जॉब से मुतल्लिक है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, कौन कौन से जॉब एडवर्टाइज हुई हैं, उसमें अप्लाई करने के लिए चार्ज क्या है एक्सेट्रा। तो इसको सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए इसमें जाएंगे, ब्राउजर में आप nts.org.pk लिखेंगे, इसको एंटर लगाएंगे तो आपके सामने ये एनटीएस की वेबसाइट खुल जाएगी। जब एनटीएस की वेबसाइट खुल जाएगी तो आप ये अपकमिंग का एक थंबनेल वाला आप इस पे अपकमिंग टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जब ये क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके ये वाली विंडो खुल जाएगी, पेज आ जाएगा, इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट है, ये न्यू प्रोजेक्ट का आपने क्लिक किया हुआ है। तो इसके प्रोजेक्ट के सीरियल नंबर 7 पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिचुएशन वैकेंट का आ रहा है, जिसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके इसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, सिचुएशन है, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट है। आप एडवर्टाइज करने क्लिक करने के एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फिल करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो लास्ट आइए देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले जो जॉब है वो जुडिशियल असिस्टेंट की जॉब है। इसमें एज लिमिट 28 है और इसमें जो कि नीचे टर्म्स जिसमें लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट की एज रिलेक्शन से मतलब ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसको ये अडॉप्ट किया गया है। तो इट मीन्स कि आपको 5 साल की इसमें रहे थे तो 33 ईयर्स लास्ट एज है इसमें अप्लाई करने के लिए। नंबर वैकेंसी 4 है, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट ला डिग्री है, उसमें एमएस प्रोफिशिएंसी आपको होनी चाहिए, आपको एमएस में टाइपिंग आती हो, फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा आती हो। तो इसमें टोटल 4 चूंकि वैकेंसीज हैं, तो एक पंजाब की है, सिंध अर्बन की एक है, केपीके की एक है और बलूचिस्तान की एक है। तो इसमें दूसरे नंबर पे है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी बीपीएस 16 की पोस्ट है, इसमें भी एज 28 है और प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 6 हैं, इसमें जो रिक्वायरमेंट है उसकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, शॉर्ट एंड 110 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग की स्पीड हो, प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस में हो। और ये रेगुलर बेसिस पे जो पोस्ट है इसमें मेरिट पे एक पोस्ट है, इस्लामाबाद पंजाब और इस्लामाबाद के लिए 3 पोस्ट है, इंक्लूडिंग 1 मेजोरिटी सिंध अर्बन के लिए एक पोस्ट है, केपीके वीमेन कोटा है वहां पे भी एक पोस्ट है। तो ये है एपीएस की पोस्ट और उसके बाद है प्रोटोकॉल असिस्टेंट की पोस्ट। प्रोटोकॉल असिस्टेंट की पोस्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट हैं और ये इनकी वेज लिमिट 25 है, इट मीन्स कि आप 30 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोस्ट है, इसमें आपको सिर्फ सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, एमएस ऑफिस में आपको प्रोफिशिएंसी टाइपिंग आती हो, फॉर्मेटिंग वगैरह आती हो, स्पेशल एप्टीट्यूड और एक्सपीरियंस प्रोटोकॉल ड्यूटी मुतलक अगर है तो वो वेल एंड गुड है और होना चाहिए तो अच्छी बात है। तो इसमें 2 पंजाब और इस्लामाबाद के लिए 2 हैं, सिंध रूरल सिंध अर्बन एक और केपीके और बलूचिस्तान भी एक पोस्ट है। तो उसके बाद स्टैंड टाइपिस्ट की पोस्ट है बीपीएस 14 की, इसमें भी एज रिलैक्सेशन डाल के आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 इसकी वैकेंसी है, इसमें इंटरमीडिएट है, 80 अल्फाज पर मिनट शॉर्टन की स्पीड चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड और एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंसी। इसमें एक पंजाब की पंजाब और इस्लामाबाद की 2 हैं, सिंध अर्बन 1 है, बलूचिस्तान 1 है, गिलगित बल्तिस्तान फाटा 1 है। इस तरह नेक्स्ट पोस्ट इसमें अकाउंट्स असिस्टेंट की रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है, बीपीएस 14 की पोस्ट है, इसमें रिलैक्सेशन डाल के इसमें आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 1 ही वैकेंसी और ये कोटा है सिंध अर्बन का, बीकॉम प्रोफिशिएंसी इसमें बीकॉम और प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पोस्ट है लाइब्रेरी क्लर्क, तो लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट 25 साल एज है, इसमें आप 5 साल रह डालेंगे तो 30 साल की उम्र हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, इंटरमीडिएट इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके साथ आपके पास लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंसी हो। और इसमें एक और चीज है कि 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और ये रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है। इस्लामाबाद और पंजाब कोटे में 2 वैकेंसी हैं, केपीके में 1 वैकेंसी है।
और इसी तरह आपको नेक्स्ट नंबर 7 पे मिलती है एलडीसी की पोस्ट, पीपीएस 7 की पोस्ट है, इसमें एज रिलैक्सेशन सेम 25 ईयर्स और इसमें 5 साल के लिए ऐड डालने तो 30 साल बन जाती है और इसमें 10 वैकेंसी अनाउंस की गई है। पंजाब इस्लामाबाद के लिए 4 हैं, अर्बन सिंध रूरल सिंध रूरल के लिए 2 हैं, केपी के 1 है, बलोचिस्तान के 2 और जीबी फाटा के लिए 1 वैकेंसी। इसकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन है, इसमें 7 आपके मैट्रिक है, 1 साल का डिप्लोमा, आईटी प्रोफिशिएंसी हमें ऑफिस को होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इसके साथ अगर आपके पास उर्दू की टाइपिंग स्पीड आपको आती है तो वो बहुत ही अच्छा है और ये इसकी रिक्वायरमेंट में शामिल है, रेगुलर बेसिस पे पोस्टें हैं। उसके बाद नंबर 8 पे ड्राइवर की पोस्ट है, ये भी पीएस 5 की पोस्ट है और ये इसकी एज रिलैक्सेशन डाल के 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 14 नंबर इसकी वैकेंसी हैं, इसमें प्राइमरी पास हो या ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, ट्रैफिक रूल का पता हो। तो ये है, इसमें मेरिट 1 है, पंजाब इस्लामाबाद की 8 है, सिंध अर्बन 1 है, सिंध रूरल 2 है, केपी के 2 है, बलूचिस्तान 1 है। उसके बाद कुक एमबीपीएस 3 की है, इसमें भी रिलैक्सेशन डाल के आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वैकेंसी 3 के और ये मेरिट पे पोस्ट है, इसमें प्राइमरी का स्कूल पास सर्टिफिकेट और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड होटल और रेस्टोरेंट, किसी होटल या रेस्टोरेंट का कुकिंग का आपके पास 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद नैब कासिद की पोस्ट है, नैब कासिद की पोस्ट है, टोटल 38 अनाउंस की गई है, ये बीपीएस 3 की पोस्ट है और इसमें 25 साल एज लिमिट रखी गई है, जिसमें आप 5 साल रिलैक्सेशन लगाएं तो 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है वो प्राइमरी पास है और रेगुलर बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मेरिट की 3 है, पंजाब और इस्लामाबाद 19 है, इंक्लूडिंग 2 वीमेन एंड 1 मिनोरिटी, 19 का मतलब है कि 2 इसमें खुवातीन और 1 मिनोरिटी का कोटा है। सिंध अर्बन 3 है, सिंध रूरल 4 है, केपी के 4 है, बलोचिस्तान 2, गिलगित बल्तिस्तान फाटा 2 और आजाद जम्मू एंड कश्मीर की 1 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। तो नीचे आप आ जाए तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें ये जो जैसे कि मैंने बताया रिलैक्सेशन मतलब एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिस में मतलब अडॉप्ट किया गया है, इट मीन्स का ये 5 साल की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में दी गई है। एप्लीकेंट गवर्नमेंट इसको अप्लाई करें, मेरे सबमिशन एप्लीकेशन विद नॉट एनी राइट, मतलब इसमें प्रॉपर एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। अप्लाई करने का तरीका वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एनटीसी वेबसाइट पर जाएं, वहां पे आपको नंबर 7 पे जो प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, वहां क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट का है और एक ऑप्शन आता है टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है इसकी प्रॉपर और यहाँ पे आप अगर लॉग इन साइन अप हुआ है तो आप यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना CNSE डालकर यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप इसको लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं जिसमें CNSE डालेंगे, CNSE दोबारा इसमें डाल के डिजायर सिटी डालेंगे, डिजायर पोस्ट डाल के तो इसमें पासवर्ड रिटर्न साइन अप कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसमें सिंपल से एक फॉर्म है, वो आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, फिलअप करके सबमिट कर देंगे, जब सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद उसका प्रिंट ले लेना है, प्रिंट लेके उसमें 2 आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर आप लगाएंगे, 1 उसके साथ अपने शनाख्ती कार्ड के टेस्टेड कॉपी लगाएंगे और 1 जो है डिपॉजिट स्लिप की ओरिजिनल जो NTS की कॉपी है वो साथ भेजेंगे। इसके अलावा आपने कोई डोमिसाइल या एजुकेशन डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं कि ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि इनमें चार्म क्या है या इसके पेपर किस टाइप का होगा, इसकी सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला।